है फ्रेंड्स हाउ आर यू ऑल आई होप आ लव यू बिल वी गुड दिस इजागृति सो फ्रेंड्स टुडे वी आर स्टडी अबाउट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इन द एक्सक्रिटिव सिस्टम सो एक्सक्रिटिव सिस्टम में यूरिनरी ब्लैडर के बारे में जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन जानेंगे यूरिनरी ब्लैडर का इस्टचर जानेंगे एंड फंक्शंस जानेंगे एंड ब्लैडर कंडीशंस भी जानेंगे मीन्स टू ब्लैडर में जो भी डिसीजेस हो सकती हैं जो डिसीजेज होती हैं उनके बारे में भी जानेंगे सो स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर का सो so, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है फ्रेंड्स सिंपल ब्लैडर से भी बोल सकते हैं एंड ये हॉलो मस्किल ऑर्गन होता है ह्यूमन का अदर वर्टिब्रेट्स में भी एंड यूरिनरी ब्लैडर का जो फंक्शन होता है यूरिन को स्टोर करना जो कि किडनी के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में कन्वे की जाती है एंड जब तक यूरनाइेशन नहीं होता है जब तक यूरिनेशन नहीं होता है मीन्स यूरिन पास आउट नहीं होती है तब तक यूरिन जो है हमारे यूरिनरी ब्लैडर में टम्प्रेरी रिजर्व होती रिजर्व रहती है जो ह्यूमन है ह्यूमन का जो ब्लेडर है ब्लैडर एक हलो मस्कुलर होता है एंड डिस्टेंसिबल ऑर्गन होता है जो कि पैल्विक फ्लोर में प्रजेंट होता है फ्रेंड्स कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं यूरिनी ब्लैडर के सो so, यूरिनी ब्लैडर जो होता है मस्कुलर ऑर्गन एंड जो कि पैल्विस कैविटी में सिचुएटेड होता है नेक्स्ट पॉइंट जो है जो हमारे यूरिनी ब्लैडर है वो मेल्स में यानी कि जो मेल होते हैं उसमें रैक्टम के एंटीरियर साइड में प्रजेंट होता है बट जो फीमेल में यूरिनी ब्लैडर होता है वो बजाइना के एंटीरियर प्रजेंट होता है एंड यूट्रस के इंफीरियर मीन्स पजाइना के फ्रंट में एंड यूट्रस के इंफीरियर मीन्स लोअर साइड में प्रजेंट होता है नेक्स्ट इस जो यूरिनी ब्लैडर का जो सेप होता है वो डिपेंड करता है मीन्स जो हमारे अमाउंट ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर का सेप अमाउंट ऑफ यूरिन पे डिपेंड करता है जितना अमाउंट में यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में रिजर्व रहता है उसी पे डिपेंड करता है यूरिनी ब्लैडर का सेप सो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर सो फ्रेंड्स जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो रफली पियर सेप का होता है फ्रेंड्स यूर यू कैन सी यूरिनरी ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो पियर शेप्ड होता है जिस शेप का पियर होता है उसी शेप में हमारी यूरिया ब्लैडर होता है एंड इसका जो साइज होता है यूरनी ब्लैडर का वो अल्टर करता रहता है क्वान्टिटी ऑफ यूरिन मीन्स जो यूरिन की क्वान्टिटी होती है जिस अमाउंट में यूरिन की यूरिन हमारे ब्लाडर में रिजर्व है उस पर डिपेंड करता है यूरिनरी ब्लाडर का साइज फ्रेंड्स जो तो यूरिनरी ब्लाडर है वो उसकी थ्री सर्फेसेस होती हैं एंटीरियर सर्फेस पोस्टीरियर सर्फेस एंड सुपीरियर सरफेस। एंड फ्रेंड नेक्स्ट द पेरिटोनियम कवर्स ओनली द सुपीरियर सर्फेस ऑफ द यूरिनी ब्लैडर जो पेरिटोनियम होता है वो यूरिनी ब्लैडर के सुपीरियर सर्फेस को केवल कवर करता है नेक्स्ट इज द फ्लोर ऑफ़ यूरि ब्लाडर हैज़ अ स्मॉल ट्राएंगुलर एरिया काराइगोन फ्रेंड्स जो यूर ब्लैडर का फ्लोर होता है वहाँ पर एक स्मॉल ट्राएंगुलर एरिया होता है जिसे ट्राइगोन बोलते हैं द टू पोस्टरियर कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइगोन कंटेन द टू यूरेट्र ओपनिंग जो जहाँ टू पोस्टरियर कॉर्नर्स होती हैं ट्राइगोन की जिसे यूरेट्र ओपनिंग बोलते हैं फ्रेंड्स वहाँ पे पे आप डाइग्राम में देख सकते हैं आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स इस पोर्शन को हम ट्राइगोन बोलते हैं जो कि फ्लोर में प्रेजेंट होता है एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरेट्रो ओपनिंग ये यूरेट्रो ओपनिंग होती है जो किडनी के जो ये यूरोटर्स होते हैं ये किडनी से कनेक्ट होते हैं और इनकी जो ओपनिंग होती है ये इन ओपनिंग ऑफ यूरेट्रो यहाँ पे प्रेजेंट होता है सो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स जो ट्राइगोन एरिया होता है वो स्मूथ होता है स्मूथ होता है क्योंकि ये जो ब्यूकोसा होती है मेस्कुलर से बाउंड करती है नेक्स्ट द बॉल ऑफ यूरिनियर ब्लैडर जो यूरिन ब्लैडर की बॉल होती है वो थ्री कोट को कंसिस्ट करती है मतलब इसकी जो लेयर्स होती हैं वो थ्री होती हैं यूरिन ब्लैडर की फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूकोशा जो कि इनर लेयर होती है सबसे भीतरी लेयर होती है जो कि ट्रांजिशनल एपिथीलियम से मिल कर के बनी हुई होती है नेक्स्ट इज अंदर जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम ट्रांजिशनल एपिथीलियम के नीचे जो लेयर होती है वो कनेक्टेड टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है जिसे लैमिना प्रोप्रिया बोलते हैं जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम होती है मीन्स जो फर्स्ट लेयर वो वो क्या होती है स्ट्रेच में एबल होती है सराउंडिंग ऑफ द म्यूकोशा मस्कुलस इज प्रजेंट इज मेड डेट्रोसर मसल मुखोश के सराउंडिंग मस्कुलरेस प्रेजेंट होती है जो कि डेट्रोसर मसल से मिलकर के बना हुआ होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। लैमिनिया प्रोप्रिया ट्रांजिशनल एपिथीलियम सो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट ऑफ़ फंक्शंस ऑफ़ यूरिनरी प्लाजा। सो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो यूरिन को टम्परेरी स्टोर करता है मीन्स जब तक कि यूरिन पास आउट नहीं होती है और यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर में जितने अमाउंट में यूरिन हम uh, जितने अमाउंट में यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर रह सकती है वो एवरेज होता है फ्रेंड सेवन हंड्रेड टू एट हंड्रेड एम ऑफ यूरिन यूरिन के पास आउट होने एक्सपेल होने की प्रक्रिया को पास आउट होने की प्रक्रिया को मैचूरेशन कहते हैं नेक्स्ट वन देख लेते हैं ब्लैडर कंडीशन के बारे में सो फर्स्ट जो कंडीशन हमारी है सिस्टिटिस सो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द ब्लैडर ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से सिस्टाइटिस हो जाता है एंड uh, ये जिससे ये मतलब कि एक्यूट और क्रोनिक पेन भी हो सकता है डिसकम्फर्ट यूरिनरी फ्रिक्वेंसी हो जाती है नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स यूरिनरी स्टोन यूरिनरी स्टोन में क्या होता है स्टोन फॉर्म हो जाता है किडनी में किडनी में स्टोन फॉर्म हो जाता है एंड वो स्टोन ट्रैवल कर कर करके ब्लैडर तक आ सकता है ये ब्लैडर तक आ जा सकता है जो यूरिनरी स्टोन होता है इस स्टोन जो है वो किडनी में फॉर्म होता है एंड किडनी से ये ट्रैवल करता हुआ ब्लैडर में आ जा आ सकता है जिससे क्या होता है सीवियर पेन भी कॉज हो सकता है नेक्स्ट जो है हमारा फ्रेंड्स ब्लैडर कैंसर सो जो ब्लैडर कैंसर होता है फ्रेंड्स ये मतलब कि ब्लैडर कैंसर जो है वो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में एक यूजली यूरिन में ब्लड पाए जाने के बाद डिस्कम्फर डिस्कवर किया जाता है ये यूजली कैसे होता है स्मोकिंग या सिगरेट या जो बर्ग बर्क प्लेसेस होते हैं केमिकल्स एक्सपोजर एटसेट्रा ज़्यादातर ब्लैडर ब्लैडर कैंसर के कारण होते हैं नेक्स्ट ट्रेंड्स जो यूरिनरी इनकटिन्यूस अनकंट्रोल्ड यूरनाइजेशन मतलब जो अनकट्रोल्ड यूरिन पास आउट होती है फ्रेंड्स इसमें क्या होता है यूरिन इनकटिन्यूस कैन रिजल्ट मैने का बहुत से कारण हो सकते हैं जिससे यूरिन इनकटीन्यूस हो जाती है ओवर एक्टिव ब्लैडर ब्लैडर जो होता है वो ओवर एक्टिव होता है अनकंट्रोल स्क्यूज एंड इसमें क्या होता है फ्रेंड्स मतलब कि जो यूरिन होती है वो लीक आउट हो जाती है यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स ओवर एक्टिव ब्लैडर जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स हैं इनकटीन्यूस फॉर्म में स्क्यूज होती हैं जिससे कुछ यूरिन लीक आउट हो जाती है यूरनी इनकंटीन्यूस का मेन कॉज ओवर एक्टिविटी ब्लैडर होता है फ्रेंड्स नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं हेमटूरिया सो so, हेमटूरिया फ्रेंड्स क्या होता है मीन्स यूरिन ब्लड यूरिन में ब्लड प्रजेंट होना देट इज़ कॉल्ड हेमटूरिया सो so, हेमटूरिया जो होती है वो हार्मलेस भी हो सकती है कभी कभी एंड कभी कभी ये सीरियस कंडीशन भी हो सकती है जैसे कि सीरियस कंडीशन कब होती है जब ब्लैडर कैंसर हो जाता है सो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने देखा ब्लैडर कंडीशंस के बारे में सो आई होप आपको भी, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग